Hello students, how are you all? I hope you are fine. And now we are taking chapter eight, "Old Man at the Breeze." In the first part, we have read the first page of this chapter, and now today, we are taking the second page and the last page of this chapter. So, without wasting time, we are going ahead. We are going to read it. फ़र्दर तो अब हम इसे आगे पढ़ने जा रहे हैं देखने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली तो जैसा कि हमने देखा कि एक ओल्ड मैन जो कि एनिमल की टेक केयर क्या करता था वो अपने नेटिव टाउन कार्लो से आकर जो पेंथलून ब्रिज है उसकी सड़क के बिल्कुल पास में आकर बैठ जाता है जो सोल्जर है वो उसे कन्वर्सेशन करता है टॉकिंग करता है चैटिंग करता है बात करता है और उसे कोशिश करता है कि वो उठे और वो आगे की ओर बढ़े तो हमने ये चैप्टर पढ़ा उसकी देखा कि जो ओल्ड मैंने उसके पास में एनिमल्स के रूप में तो दो गॉट uh, है सॉरी एक केट है दो गॉट है और फोर पेयर्स ऑफ पीजेंस है ये हमने देखा था अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं देख रहे हैं इस चैप्टर को तो आज जाते हैं हम सीधे पेज नंबर सेकेंड पे तो लेट्स स्टार्ट नाउ आई एम विदाउट पॉलिटिक्स ही सेट आई एम सेवेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड तो वो क्या बोल रहा है आई एम विदाउट पॉलिटिक्स कि मैं बिना पॉलिटिक्स के हूँ मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है मैं किसी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ मेरी राजनीति से कोई संबंध नहीं है हु सेट द ओल्ड मैन सेट किसने कहा उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा आई एम सेवेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड और मैं कितना हूँ मैं सेवेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड हूँ आई हैव कम ट्वेल्व किलोमीटर्स नाव और मैं कितना दूर आ चुका हूँ अब इस वक्त बारह किलोमीटर्स एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर और आई थिंक मुझे लगता है मैं सोचता हूँ कि मैं आगे नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता क्योंकि मैं सेवेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा कह चुका हूँ थक चुका हूँ टायर्ड हो चुका हूँ जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सकता मैं यहीं बैठ चुका हूँ तो जो सोल्जर हैं वो उसे रिप्लाई करते हुए क्या कहते हैं दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप कि क्या कह रहे हैं कि ये एक गुड प्लेस नहीं है ये एक अच्छा स्थान नहीं है रुकने के लिए आई सेड इफ यू कैन मैक इट देर आर ट्रप द रोड वे इट फॉक्स फॉर टोरस्टोसा अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे इफ यू मैक इट मैक इट इफ यू कैन मैक इट अगर तुम प्रयास करो अगर थोड़ा सा मानस बना लो इच्छा लगाओ अपने अंदर डिसाइड कर लो तो इसका मतलब क्या है इफ़ यू कैन मेक इट इसका मतलब अगर तुम डिसाइड कर लो तो आगे चल कर तुम्हें ट्रक्स मिल जाएंगे वहाँ पर ट्रक जा रहे हैं कहाँ पर रोड के ऊपर वेर इट फॉक्स फॉर टोरोस्टोसा जो आगे चलकर किस किसे और मड़ जाएंगे टोरोस्टा के लिए ये टोरोस्टो जगह का नाम है जैसे आप जयपुर में रहते हो मानसरोर में रहते हो उसी प्रकार से ये टोरोस्टोसा क्या है जगह का नाम है तो ये कह रहा है कि आपको आगे चलकर ट्रक्स मिल जाएंगे ओल्ड मैन का क्या रिप्लाई आता है इस पर आई विल वेट अ वाइल्ड वाइल का मतलब कुछ देर कि मैं वेट करूंगा आई विल वेट फॉर अ वाइल फॉर सम और उसके बाद मैं जाऊंगा कुछ देर इंतजार करूंगा रेस्ट करूंगा और उसके बाद जाऊंगा वेट डू द ट्रक्स गो वो बोला कि ट्रक्स आखिरकार जा कहाँ रहे जो ट्रक्स है वो जा कहाँ रहे तो सोल्जर ने रिप्लाई दिया टू वर्ड्स बार्सिलोना मैंने उससे कह दिया सोल्जर ने क्या कहा कि बार्सिलो जो बार्सिलोना है उस ओर जा रहे हैं बार्सिलोना की ओर जा रहे हैं ट्रक्स आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन अब जो ओल्ड मैन है वो क्या कह रहा है देखिए ओल्ड मैन कह रहा है कि आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन कि मैं नहीं जानता मैं किसी को नहीं जानता उस डायरेक्शन में कि बार, बार्सिलोना की ओर जा रहे हैं तो मैं तो उधर किसी को नहीं जानता अब देखिए सब चले जा रहे हैं उनको नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है वो कहाँ रुकेंगे उनका आपके फ्यूचर क्या है कुछ नहीं पता क्योंकि कैप्टन ने कहा था गांव खाली करवाने के लिए तो जो इनके रिश्तेदार थे दूसरे गांव में वो तो चले गए बेचारा जो ओल्ड मैन था उसका कोई रिश्तेदार नहीं था तो जब उसने पूछा कि ट्रक्स किस ओर जा रहा है तो उसने कहा कि बार्सिलोना की ओर जा रहा है तो वो कहता है कि मैं तो उस और किसी को जानता ही नहीं हूँ ही सेड पर थैंक यू वेरी वेरी मच कि वो क्या बोलता है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अगेन वेरी मच आपका फिर से बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे पूछा तो सही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे लिए चिंता जताई He looked at एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली और वो जो ओल्ड मैन था वो ब्लैंकली मतलब आंख छपकाते हुए देख रहा था और थके हुए नजरों से मुझे देख रहा था देन सैड और उसके बाद में कहा हैविंग टू शेयर हीज वरी विद समन कि मतलब कि आपने जो वरी जो चिंता जो शेयर की है किसी के साथ में उसके लिए आपका धन्यवाद वो ही कह रहा है आगे क्या कह रहा है द केट जो कैट है वो तो ऑल राइट right होगी ठीक होगी I'm sure. इस, इसको लेकर बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है देर इज नो नीड टू बी अनकवाइट अबाउट द कैट क्या कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है मुझे अनकवाइट होने की बेचैन होने की परेशान होने की किसको लेकर केट को लेकर कि केट को लेकर मुझे बेचैन परेशान अनक्वाइट होने की आवश्यकता नहीं है बट अदर्स लेकिन मुझे किसकी चिंता है दूसरों की नाउ वट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स कि तुम बताओ तुम क्या सोचते हो उन अदर्स के बारे में वाई प्रोबेबली कम थ्रू इट राउट कि क्यों लगता है मुझे कि संभवतः वो कम थ्रू इट राउट कि वो भी सब ठीक ठाक होंगे मतलब इस सिचुएशन से वो भी अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे वो भी ठीक होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी यू थिंक सो तुम्हें ऐसा लगता है तुम ऐसा सोचते हो वाई नॉट क्यों नहीं आई सेट वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देर वर नो कार्ड्स मैं दूर जो किनारा है बैंक यानी किनारा उस तरफ देखते हुए कहता हूँ कि क्यों नहीं और अब वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी कार्ड्स कोई भी गाड़ियाँ नहीं बची थी सब जा चुकी थी अब सिर्फ कौन बचा था वो ओल्ड मैन जो वहाँ बैठा हुआ था रोड के किनारे सब जा चुके थे और उस सोल्जर का क्या काम था उस सोल्जर का काम ये था कि वहाँ से जो सिटीजन उनको वहाँ से निकाले ये पता लगाए कि जो सेना है दुश्मन सेना वो कहाँ तक आ चुकी है कहाँ तक एडवांस हो चुकी है अब वो चाहता था कि वो ओल्ड मैन भी वहाँ से चला जाए ताकि वो मतलब कि अपने कैप्टन को बता बता सके कि वहाँ से लोग जा चुके हैं नेक्स्ट बट But what will they do under the artillery? When I was told to leave because of artillery, आर्टिलियरी क्या करें what will they do? कि वो क्या करेंगे under the artillery? मतलब मैंने उनको वहाँ छोड़ दिया लेकिन मुझे दिक्कत है कि केट तो ठीक होगी केट तो चली जाएगी लेकिन वो जो अदर एनिमल्स हैं उनका क्या होगा वो आर्टलरी में क्या कर पाएंगे वो जहाँ पे तोप है बारूद है वहाँ पे वो कर क्या पाएंगे बेचारे आर्टलरी में वैन आई वॉज स्टोल टू लीव जब मुझे कहा गया छोड़ने के लिए किसकी वजह से बिकॉज ऑफ आर्टिलरी किसकी वजह आर्टिलरी की वजह से डिड यू लीव द डव केज अनलॉक यहाँ पर देखिए पीजन के लिए दूसरा वर्ड आया डव डव एक सॉप भी आती है साबुन भी आती जिसे आपने है जिससे आप ना आते हैं डव डव का मतलब होता है वाइट पीजन कि क्या आपने लीव कर दिया था डव केज अनलॉक कि क्या आपने जो डव का केज पिंज है पिंजरा है उसको खोल दिया था अनलॉक कर दिया था आई आज मैंने पूछा तो ओल्ड ओल्ड मैन ने कहा यस yes, हाँ मैंने अनलॉक कर दिया था देन देल फ्लाई तो चिंता की कोई बात है ही नहीं फिर तो वो उड़ जाएंगे यस सटनली फ्लाई हाँ निश्चित रूप से वो फ्लाई कर जाएंगे बट द अदर्स लेकिन मुझे किसकी चिंता है अदर्स की चिंता है दूसरों की चिंता है इट इज़ नॉट बैटर टू थिंक अबाउट द अदर्स तो सोल्जर कह रहा है क्या कह रहा है इट इज़ बैटर कि ये बेटर है ज़्यादा अच्छा है क्या है ये ज़्यादा अच्छा है इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक कि आप थिंक ना करें सोचें नहीं किसके बारे में दूसरों के बारे में ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी आप दूसरों के बारे में ना सोचे ही सेड इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो अगर आप ऐसे ही आराम करते रहे ना तो मैं चला जाऊँगा आई अर्ज मैंने उनसे कहा अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ आप खड़े तो हुई और चलने का प्रयास तो कीजिए थैंक यू सेट एंड गोड टू हिस् फीट वो धन्यवाद देता है और अपने पैरों पर पे खड़ा हो जाता है स्वेइ फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट स्वे का मतलब हिलना डुलना मूव करना वो साइड टू साइड मतलब इधर उधर दू, हिलता डुलता है उसके बाद वापस बैठ जाता है पीछे की ओर डस्ट में मतलब बिचार से खड़े होकर संभलाई नहीं जाता इधर उधर हिलता डुलता है वापस बैठ जाता है थकान के कारण से क्योंकि वृद्ध हो चुका है सेवेंटी सिक्स ईयर ओल्ड बारह किलोमीटर दूर से आया है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना थका हुआ है और आगे क्यों नहीं जा पा रहा है अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं वो आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स मैं सिर्फ और सिर्फ टेक केयर क्या करता था किसका एनिमल्स का ही उसने कहा बड़े दुख के साथ कहा निरस्ता के साथ में कहा बट नो लॉन्गर टू मी मैं सिर्फ एनिमल्स की देखभाल करता था मेरी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता था आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स मैं किसकी देखभाल क्या करता था सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की देर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम और वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कुछ करने को देर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम कि मैं कुछ कर पाऊँ उनको लेकर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इट वॉज़ ईस्टर संडे और ये ईस्टर संडे था एंड द फेसिस्ट ये एक देखो जो क्रिश्चन्स हैं उनमें दो जो जातियाँ हैं कास्ट है जो दो ग्रुप हैं उनके नाम आए एक तो है फेसिस्ट और दूसरे हैं इब्रो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं एक दूसरे आक्रमण करें एक दूसरे के ऊपर तो ये ईस्टर संडे था देखो ईस्टर संडे कौन सा होता है ईस्टर संडे कहा जाता है जो क्रिसमस वाला डे होता है और क्रिसमस वाला जो वीक होता है उस वीक में जो संडे आता है उसको क्या कहा जाता है ईस्टर संडे जो फेसिस्ट थे जो फांसीवाद थे वह एडवांसिंग टूवर्ड्स इब्रो की अटैक ऑन कर रहे थे फेसिस्ट वो किस ओर बढ़ रहे थे इब्रो की ओर इट वॉज ग्रे ओवरकास्ट डे लेकिन ये काले बादलों वाला दिन था ग्रे ओवरकास्ट डे था ओवरकास्ट का मतलब बादलों वाला दिन जो लो सीलिंग और बादल भी काफ़ी नीचे तक थे सो देअर प्लेन्स व नॉट आप इसलिए उनके हवाई जहाज ऊपर नहीं उठ सकते थे दैट एंड द फैक्ट दैट और यही इसी कारण से था और ये फैक्ट भी था डेट कैट नोज हाउ टू लुक आफ्टर दैम सेल्फ कि केट तो जानती है फैक्ट ये ताकि वो जानता था कि केट तो जानती कि कैसे लुक आफ्टर करें अपने आप का कैसे ध्यान रखें बिल्लियाँ तो जानती है वॉज ऑल गुड लक और उसका सब कुछ गुड लक ही होगा दैट ओल्ड मैन वुड एवर वुड एवर है जो ओल्ड मैन का कभी था तो कहने का मतलब ये एक एक प्रकार के ऐसे सिचुएशन को शो करने की कोशिश की गई है कि अब इनके पास में घर बार नहीं है ओल्ड मैन जा रहा है अपने नेटिव टाउन अपने खुद के घर को छोड़कर उसको ये भी नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है दुश्मन सेना आ रही है सैनिक निकाल रहे हैं तो उसको चिंता है वो किसकी उसका कोई नहीं है न उसको कोई जानता है न उसके परिवार में कोई है फैमिली में भी कोई नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो एनिमल्स जिनकी वो देखभाल क्या करता था उसी की चिंता उनको सता रही है और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आगे किस ओर जाए तो हमने इस चैप्टर को देखा और एक सिचुएशन बताने की कोशिश की कि कैसी परिस्थिति रही होगी उस ओल्ड मैन के साथ में क्या मुसीबत और क्या चीज़ें उसको देखने को मिली होगी वहाँ पे वो सब कुछ इसमें बताया गया तो गुड बाय टेक केयर योर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा आई होप सो